हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिशेस। तो इकाइनोडर्म्स में आपकी जो स्टारफिशेस आती हैं उनमें हम देखते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और वो आपका कहलाता है व्हाट आर वैस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो स्टारफिशेस हैं अलग अलग शेप्स एंड कलर्स की प्रेजेंट होती है नेचर में, और ये मराइन अधिकतर होती है, सी वाटर में रहती है। तो ये आप देखो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की हैं, और ये जो आपके स्पेसिफिक शेप्स हैं ये तो ऑफ्यूरिया है, ये जो आपकी दिख रहे हैं, और ये स्टारफिशेस हैं जो आपके इकाइनोडर्म्स में ही आते हैं सारे। तो अलग अलग आपको लग रहा होगा दिस वन इज़ ए चॉकलेट कैंडी, बट ये आपकी स्टारफिशेस है, ठीक है। तो डोनट्स जैसी दिखाई दे रही होंगी, दीज ऑल आर द स्टारफिशेस। यहाँ पे हम बात करें वाटर वैस्कुलर सिस्टम की, तो स्टारफिशेस के अगर हम ऊपर की जो एपिडर्मिस वाली लाइनिंग है या स्किन है जो, उसे हटा दें तो उसके अंदर हमें दिखता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम इज़ देयर, जो कि पानी को अंदर लेता है, सी वाटर जो है उसे अंदर ले लेता है, और उस इसी वाटर के थ्रू वैस्कुलेशन चलता है किसी भी स्टारफिश में। तो ये वैस्कुलेशन कैसे होता है और किस प्रकार से ये वैस्कुलेशन हेल्प करता है किसी भी स्टारफिश को लोकोमोशन में और फूड कलेक्शन में, ये सब हम इस पीपीटी में जानेंगे। तो बेसिकली बात करें हम इकाइनोडर्म्स एक स्पेशल टाइप ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम शो करते हैं जिसे हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम एक ही से साइनोनिमिकली यूज़ होंगे। यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक मॉडिफाइड पार्ट है आपके सीलोम का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाइनोडर्म्स में सीलोम की प्रेजेंस अब नज़र आने लगी है। तो जो सीलोम है, सीलोम इज़ अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी जो आपके बाहर की जो स्किन है या बाहर का जो बॉडी कवर है और अंदर का जो गट है उसके बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी बॉडी कैविटी होती है जिसमें फ्लूड भरा होता है। और वहीं पे हम इकाइनोडर्म्स में बात करें तो इकाइनोडर्म्स की जो बॉडी कैविटी है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम को इंक्लूड करेगी। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक मॉडिफाइड सीलोम का पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, कॉर्पसल्स, जो फ्लोट हो रहे हैं इस तरीके के वाटर में। तो होता क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में सी वाटर भरा हुआ होता है और ये सी वाटर आपके जो स्टारफिशेस हैं उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें ये वाटर भरा हुआ होता है, और उन कैनाल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। कॉर्पसल्स और सेल्स में यही अंतर है कि सेल्स वो सेल्स जो फ्लोट करते हैं किसी लिक्विड मीडियम में, उन्हें हम कॉर्पसल्स कह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम, सी वाटर भरा हुआ होगा इसमें जो आपकी कैनाल से मिलके बना होगा, और इन कैनाल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉर्पसल्स उस सी वाटर में फ्लो कर रहे होंगे और अपना मैकेनिज्म कंक्लूड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखें जो भी आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो पूरा का पूरा लाइनिंग उसमें प्रेजेंट होती है सीलिएटेड एपिथीलियम की। तो सीलिएटेड एपिथीलियम मतलब जब भी हम बाहर की स्किन की बात करें तो बाहर की स्किन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या बाहर का जो कवच है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एपिथीलियम से, ठीक है ना। तो सरफेस एपिथीलियम इकाइनोडर्म्स की बनी हुई होती है सीलिएटेड एपिथीलियम से, किसकी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। सीलिएटेड मतलब वो टिश्यूज जिनमें सीलिया प्रेजेंट होगा, वो एपिथीलियल टिश्यूज जिनमें सीलिया प्रेजेंट होगा उनसे बनी होती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम की लाइनिंग, ओके। तो अभी हम देखें तो जितने भी एस्टेरॉइडिया हैं, एस्टेरॉइडियाज मींस कि सारे के सारे स्टारफिशेस, तो सारे के सारे इकाइनोडर्म्स में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो स्टारफिशेस हैं एस्टेरॉइडियाज क्लास में जो आती हैं वो आपकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम शो करती हैं। तो हाईली डेवलप्ड टाइप ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन ऑल इकाइनोडर्म्स आता है सिर्फ एस्टेरॉइडिया, ओके। अभी हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है इस तरीके के वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, ये होता है लोकोमोशन के लिए और वन मोर थिंग फूड कलेक्शन के लिए। तो अब देखिए हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आएगा मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, ड्रिंक कैनाल, रेडियल कैनाल, टीडमेंस बॉडीज, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूबफीट। इन सब से मिलके बना होगा एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसी भी स्टारफिश का। वैस्कुलेशन की बात करें हम तो यहाँ पे नलियाँ होंगी या वेसल्स होंगी जिनमें कि सी वाटर भरा हुआ होगा,
वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम में देखें तो ये आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मेड्रिपोराइट, दिस इज अ मेड्रिपोराइट। नेक्स्ट हम देखें स्टोन कैनाल, तो ये आपकी स्टोन कैनाल हो गई। नेक्स्ट आती है रिंग कैनाल, तो ये रिंग जो बन रहा है ये रिंग कैनाल रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है आपका रेडियल कैनाल, तो ये जो हर एक आर्म में एक आपकी कैनाल जाएगी, दिस ये बीच वाला जो दिख रहा है ये आपकी रेडियल कैनाल कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं टीडमेंट्स बॉडी, तो टीडमेंट्स बॉडी आपकी जो रिंग है इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और ये टीडमेंट्स बॉडी कहलाते हैं। नेक्स्ट आती है लेटरल कैनाल्स, लेटरल कैनाल्स जो आपकी रेडियल कैनाल थी, रेडियल कैनाल से लगी हुई लेटरल जो कैनाल्स दिखाई देंगी छोटी छोटी पाइप्स, ये आपकी लेटरल कैनाल कहलाएंगी। और इन्हीं लेटरल कैनाल के बाहर से ये आपके बल्ब जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको हम ट्यूब वीड्स कहते हैं। ओके, तो अभी हम देखें तो ये बाहर से स्टारफिश में इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स ट्यूब वीड्स के फॉर्म में नज़र आते हैं। अभी इस डायग्राम में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मैड्रिपोराइट है जहाँ से वाटर अंदर आता है, सी वाटर, और फिर ये आपका स्टोन कैनाल है जो रिंग कैनाल से मैड्रिपोराइट को जोड़ेगा। ठीक है, स्टोन कैनाल के बाद आ गया रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद आ जाएगा आपका रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल जो आपके पाइप जैसे लंबे दिख रहे हैं, दीज आर द रेडियल कैनाल। और फिर आते हैं रेडियल कैनाल के साथ लगे हुए आपके दीज आर द ट्यूब फीड्स। ठीक है ना, अब ये ट्यूब फीड्स जिससे जुड़े हुए होते हैं, मतलब रेडियल कैनाल और ट्यूब फीड जिससे जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं लेटरल कैनाल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैड्रिपोराइट की। मैड्रिपोराइट ऐसी कैल्केरियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपके किसी भी स्टारफिश के एबोरल सरफेस में प्रेजेंट होगी। एबोरल मतलब अगर हम अपने हाथ की बात करें तो एबोरल ओरल हो गया ऊपर वाला भाग, एबोरल हो गया नीचे वाला भाग। ठीक है ना, तो मुंह वाले सरफेस को हम कहेंगे ओरल, और जहाँ पे अपोजिट होगा एनस वाला पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे स्टारफिश का एबोरल पार्ट। तो यहाँ पे हम देखें तो ये स्टारफिश का हो गया एबोरल पार्ट, और सॉरी ओरल पार्ट, और ये स्टारफिश का हो गया एबोरल पार्ट। तो एबोरल पार्ट में ही आपके मैड्रिपोराइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रल डिस्क में आपके मैड्रिपोराइट प्रेजेंट होगा जो कैल्केरियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। और ये हमेशा आपकी किन्हीं दो आर्म्स, स्टारफिश में नॉर्मली 5 आर्म्स होती हैं, तो किन्हीं दो आर्म्स के बीच में पाया जाएगा, और जिन दो आर्म्स के बीच में ये पाया जाएगा उसे हम बाइवियर कहेंगे। ओके, तो बाइवियर किसे कह रहे हैं हम, जिन दो आर्म्स के बीच में आपके मैड्रिपोराइट पाया जा रहा है। तो स्पेसिफिकली हम देखें तो ये आपकी आर्म नंबर 1 एंड आर्म नंबर 2 के बीच में मैड्रिपोराइट पाया जा रहा है, तो इस आर्म नंबर 1 एंड 2 को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं बाइवियर। ओके, नेक्स्ट है मैड्रिपोराइट जो होता है वो आपके स्पेसिफिक ग्रूव्स ऑफ फरोज में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, एक नाली नुमा आकृति बनती है या पाइप जैसी आकृति बनती है। ठीक, और ये आपकी पाइप जैसी आकृति में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये छोटे पोर्स आपके कहलाते हैं सर्विंग प्लेट। ठीक है, तो ये जो मैड्रिपोराइट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहलाते हैं सर्व प्लेट। ठीक है, जो कहलाते हैं सर्व प्लेट। अब हम देखें जो आपका पोर है, ये सारे के सारे पोर फर्दर एक कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं जो कहलाती है स्टोन कैनाल। ठीक है, तो मैड्रिपोराइट के जस्ट नीचे जो आपकी कैनाल होगी, एक नली होगी, उसे हम स्टोन कैनाल कहेंगे, जो कि वाटर की एंट्री फर्दर अंदर की तरफ बॉडी के अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मैड्रिपोराइट। नेक्स्ट हम देखें मैड्रिपोराइट के जस्ट बीनीथ, ये मैड्रिपोराइट है दो आर्म्स के बीच में है, जिन्हें हम दो आर्म्स को हम बाइवर कह रहे हैं। मैड्रिपोराइट के जस्ट नीचे आ जाएगा आपका स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल को देखते हैं, स्टोन कैनाल एक्चुअली एस शेप का एक कैनाल प्रेजेंट होता है जिसे हम मैड्रिपोरिक कैनाल भी कहते हैं सिंपली, क्योंकि मैड्रिपोर को जोड़ रहा है किससे, आपके रिंग कैनाल से। ठीक है, तो ये हम देखें आपकी ये
एबोरल साइड से ओरल साइड की तरफ ले जाएगा यूनिट को, ठीक है। तो रिंग कैनाल की तरफ ये प्रोसीड करवाएगा आपके वाटर सप्लाई को, और रिंग कैनाल जो रेडियली प्रेजेंट होगी, रेडियस में प्रेजेंट होगी, वहाँ पानी को ले जाने के लिए एस कैनाल या स्टोन कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोन कैनाल फर्दर कैलकेरियस रिंग से बनी होती है, कैल्शियम की एक परत से बनी हुई होती है। तो स्टोन कैनाल की जो इनर सरफेस होती है वो लाइन होती है स्पेसिफिक फ्लैजिलेटेड सेल से। तो स्टोन कैनाल जो है आपकी पाइप नुमा आकृति जो है उसमें जो अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे वो फ्लैजिला वाले होंगे, ताकि पानी जो आए तो उनको ये धकेल के अंदर ले जाए। तो ट्यूब में जो सेल्स होंगे वो फ्लैजिला वाले होंगे और पानी को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो जो मूवमेंट है फ्लैजिला का वो पानी को अंदर ले जाने में हेल्प करेगा, वाटर करंट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अभी जो भी आपके रिजेस प्रेजेंट होती हैं एक साइड में स्टोन कैनाल की वॉल में, जो रिजेस प्रेजेंट होती हैं, रिजेस धारीनुमा आकृतियाँ जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं लैमिनेटेड रिजेस, ठीक है ना। रिजेस क्या होगा कि जैसे हम देखें अपने फिंगर्स के बीच में है, कुछ रिजेस दिखाई देती हैं, तो ये रिजेस जो होंगी ये आपकी जो स्टोन कैनाल में प्रेजेंट होंगी इस तरीके से रिजेस, उनको हम कहेंगे लैमिनेटेड रिजेस, ओके। तो ये हो गया आपका मैड्रिपोराइड, इसके नीचे आ गया स्टोन कैनाल, ये एस शेप का स्ट्रक्चर बनाता है लगभग, और ये एबोरल पोर्शन से ओरल पोर्शन की तरफ मॉडिफाई या बढ़ेगा आगे की तरफ, और ताकि ये जोड़ सके अपने आप को किसमें, रिंग कैनाल की तरफ जोड़ सके और पानी की सप्लाई को अंदर धकेलने के लिए इस स्टोन कैनाल के पास होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। नेक्स्ट आती है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल एक पेंटारेडियल में प्रेजेंट होगी। देखो पेंटारेडियल क्यों कह रहे हैं हम, पांच आर्म्स के बीच में जो एक रेडियल स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये आपके कहाँ प्रेजेंट होगी, ओरल साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा एबोरल से शुरू हो गए, एबोरल में था मैड्रिपोराइड और ओरल में अब रिंग कैनाल आ गई है, ठीक है। अब इसकी जो इनर रेडियस होगी उनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ पोयन वेसिकल्स और कुछ टीडमेंस बॉडीज, ठीक है। रिंग कैनाल में क्या प्रेजेंट होती है, कुछ पोयन वेसिकल्स और कुछ टीडमेंस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली हम देखें पोयन वेसिकल्स चार होते हैं और आपकी हर एक आम पे प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा हम देखें जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये रिंग कैनाल है, दिस इज अ रिंग कैनाल, और अगर हम बात करें पोयन वेसिकल्स और टीडमेंट बॉडीज की, तो ये रिंग कैनाल जो है दिस इज अ रिंग कैनाल जो पांच आर्म्स के ठीक बीच में बन रही है और कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है फाइव आर्म्स के लिए, इसलिए हम इसे पेंटारेडियल कह रहे हैं। तो ये आपका हो गया रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के जस्ट हम देखें तो रिंग कैनाल के में प्रेजेंट होती हैं कुछ आपकी पोयन वेसिकल्स और कुछ आपके टीडमेंट बॉडीज, ठीक है। तो पोयन वेसिकल्स क्या होंगे, ये जो बड़े आपके ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये पोयन वेसिकल्स हैं, और इनके साथ साथ छोटी छोटी जो ये आपके डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके टीडमेंट बॉडीज कहलाएंगे। तो होता क्या है, नॉर्मली हर एक आर्म के पास बीच में आपकी पोयन वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच, ठीक। और नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो पोयन वेसिकल्स जो होते हैं वो फाइव या फोर प्रेजेंट होंगे, और इन सब आपके जो पोयन वेसिकल्स के बगल में जो आपके ट्रीटमेंट बॉडीज होंगे ये नाइन होंगे। तो नाइन कैसे होंगे, मेड्रिपोराइड के जस्ट नीचे जो पोयन वेसिकल्स आएंगे उनके पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बॉडी होगी ये, और बाकी जो पोयन वेसिकल्स हैं उनके पास दो ट्रीटमेंट बॉडीज होंगी दोनों लेटरल साइड में। तो बीच में क्या है, सेंटर में तो हो गया आपका पोयन वेसिकल जो बड़ा है साइज में, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो बड़ा होगा साइज में, और इसके बगल में जो आपके छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो ट्रीटमेंट बॉडीज कहलाएंगे। चार पोयन वेसिकल्स के पास तो आपकी दो दो ट्रीटमेंट बॉडीज होंगी, लेकिन जो मेड्रिपोराइड के जस्ट बीनीथ जो पोयन वेसिकल होगा उसके पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें पोयन वेसिकल्स क्या होंगे, चार मस्कुलर पोयन वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे चार इंटर रेडियाई में, जबकि आपके जो पोयन वेसिकल हैं उनका फंक्शन क्या होगा, वो करेंगे आइदर वाटर को स्टोर करेंगे अपने अंदर या फिर कुछ अमीबोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। अमीबोसाइट्स वो सेल्स होंगे जो इधर उधर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर चेंज कर पाएंगे और इधर से उधर फ्लो करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गए आपके पोयन वेसिकल्स। नेक्स्ट हम देखें टीबिन बॉडीज, ये 9 होंगे और हर एक पोयन वेसिकल के बगल में दो दो टीबिन बॉडीज होंगी, एक्सेप्ट जो स्टोन कैनाल के साथ जुड़ा हुआ पोयन वेसिकल होगा उसके पास सिर्फ एक ही टीबिन बॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं टीबिन बॉडीज, ये एक लिम्फोइड सैक छोटी सी थैली होती है और ये भी प्रोड्यूस करते हैं अमीबोसाइट्स। तो हमने देखा पोयन वेसिकल्स पानी को स्टोर कर रहे थे और अमीबोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं टीबिन बॉडीज भी आपके अमीबोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट देखिए रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स होती हैं आपकी 5, क्योंकि हम देखें जितनी आर्म्स हैं आपके स्टारफिश की उतनी ही रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होंगी और ये आर्म जितनी लंबी आर्म होगी उस हिसाब से इनकी लंबाई भी उतनी ही लंबी होगी और जहाँ पे आर्म ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे रेडियल आर्म ख़त्म या रेडियल कैनाल अपना एंड शो कर देगी। ठीक, यहाँ पे हम देखें तो ये ओरल सरफेस में प्रेजेंट होगी अगेन और ये आपकी एक एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव बनाएगी, नालीनुमा आकृति बनाएगी रेडियल कैनाल हमेशा। ठीक है, अभी हम देखें तो ये जो आपके रेडियल कैनाल है इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री फंक्शन के कारण ये किसी भी शिकार को पहचान पाएगी या कोई भी शिकारी इसकी तरफ अप्रोच करे तो उसे भी पहचान पाएगी। ठीक है ना, ऑल्फैक्शन जो होता है वो स्मेल से रिलेटेड होगा। तो ये हम देखें फिर लेटरल कैनाल्स, लेटरल कैनाल्स होंगी जो आपके दिस अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये आपकी है रिंग कैनाल, फिर आ गई रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल और ट्यूब फीड के बीच में जो कैनाल होगी उसे हम लेटरल कैनाल कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखें रेडियल कैनाल हर एक आर्म में प्रेजेंट होगी और हर एक आर्म से कुछ आपकी लेटरल कैनाल्स निकलेंगी जो फर्दर जुड़ी हुई होंगी ट्यूब फीड से। ठीक है ना, तो लेटरल कैनाल सिर्फ आपके ट्यूब फीड से जुड़ने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होंगी और थ्रू आउट द आर्म ये प्रेजेंट होंगी और कई सारी प्रेजेंट होंगी। तो ये हो गया आपका, दीज आर द रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है ट्यूब और इसमें जो आपकी जुड़ी हुई लेटरल कैनाल्स दिख रही हैं ये छोटी छोटी, ये लेटरल कैनाल्स हैं। लेटरल कैनाल क्या कर रही है, जंक्शन की तरह काम कर रही है जो रेडियल कैनाल और ट्यूब फीट के बीच में है। ठीक है, ये ट्यूब फीट है। ठीक, तो इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है। ट्यूब फीट क्या होती है फर्दर, ट्यूब फीट एक ऐसे बेसल पार्ट्स होंगे जो बल्ज होंगे, उभरे हुए होंगे और इनको हम एम्प्यूला भी कहेंगे। ठीक है, तो आप देखो एक सकर की तरह, एक आपका प्लंजर की तरह ये होते हैं। तो ये ट्यूब फीट का फंक्शन क्या होगा, सकर की तरह बिहेव करेंगे और ये एम्प्यूला बने हुए होते हैं, ये जो आपके ट्यूब फीट्स हैं ये बने हुए होते हैं सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से। तो इनमें गोलाई में भी मसल्स प्रेजेंट होंगी और लंबाई में भी मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है ना, और मोस्टली अगर हम देखें अगर कोई स्टारफिश है उसकी बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बहुत लंबे लंबे आर्म्स हैं, तो उनमें सर्कुलर मसल्स नहीं होगी, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से बनी हुई ट्यूब फीट होंगी उनके पास। ठीक है, लेटरल कैनाल जब भी हम बात करें वो हमेशा खुलती हैं जाके इस एम्पिला में और ये एम्पिला को जो आपका लेटरल कैनाल और ट्यूब फीट के बीच में जो वाल्व होगा वो हमेशा गार्ड करेगा कि ज़्यादा पानी की एंट्री ना हो जाए आपके ट्यूब फीट की तरफ। ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्यूब फीड फंक्शन करती है। तो ये हो गया ट्यूब फीड्स, लास्ट में आपके ट्यूब फीड्स आ रहे हैं। फंक्शंस की बात करें हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेनली लोकोमोशन और फूड कलेक्शन में हेल्प करता है। फूड कलेक्शन कैसा होगा, देखो जब भी हम स्टारफिशेस की बात करें तो इनके पास जो ट्यूब फीड्स हैं ये ट्यूब फीड्स के थ्रू क्या करेंगे, नॉर्मली दो आर्म्स ही इनके फूड कलेक्शन में हेल्प करते हैं और दो आर्म्स के थ्रू ही ये लोकोमोट करते हैं। किसी भी दो आर्म से ये लोकोमोट कर सकते हैं या फूड कलेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, दो आर्म्स के जो ट्यूब फीड्स हैं वो सकर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये किसी भी मोलस्क के शेल पे वो सकर की तरह चिपक जाएंगे और फिर अपने आर्म्स को हटा लेंगी। तो जैसे ही वो आपके सकर की तरह किसी भी मोलस्क के शेल पे चिपक गई हैं तो क्या करेंगी, उनके शेल को ओपन कर देंगी। उनके शेल को एक सक्शन से ओपन करते ही ये अंदर मोलस्क का जो बॉडी पार्ट है उसे खा लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉफ्ट बॉडी मोलस्क को खा लेती हैं और फूड कलेक्शन में इनके ये आर्म्स जिनमें ट्यूब फीड होते हैं सकर्स की फॉर्म में वो हेल्प करते हैं और फूड कलेक्शन में इस तरीके से आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेंगे। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन में भी इसी तरीके से आपके जो एम्पिला होते हैं, जो ट्यूब फीड्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है ना,
अब होता क्या, देखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब फैलना, तो ट्यूफिड्स क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे और फैलेंगे। तो कभी भी जब इनके पास इनको चलना है तो ये क्या करेंगे, अपने ट्यूफिड्स को पहले सिकोड़ेंगे और जैसे ही अपने ट्यूफिड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनका आर्म भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आर्म को क्या कर लेंगे, ये एक आर्म की जो ट्यूफिट है उसे सिकोड़ लेंगे, छोटा कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और दूसरे आर्म के ट्यूफिड्स को क्या कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, और इसी ढंग से ये वाइस वर्सा फंक्शन करते रहेंगे और अपने आर्म्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इनकी हेल्प करता है कौन, एम्पेला। एम्प्यूला में स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं इस तरीके की लोकोमोशन में। तो यहाँ पे हम देखें जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं ट्यूब फीट की, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी और एनिमल जो है आपका स्टारफिश उसे आगे की तरफ धकेलेंगी, ठीक है ना। और इस तरीके की पोडिया मोशन जो है इनको धीरे धीरे मूव करने में हेल्प करता है, और ये इस तरीके से अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के थ्रू एम्प्यूला को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आगे बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका एम्पुला में फ्लूड होता है वो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फ्लूड वापस जाएगा, ठीक है, बैक पुल होगा, और जैसे ये रिलैक्स करेंगी तो फ्लूड आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट था, पूरी कैनाल में जो वाटर प्रेजेंट है, वो जैसे ही ये अपने ट्यूब फीट को क्या करेंगे, ट्यूब फीट के जो एम्पुला है, एम्पुला मतलब आगे वाला भाग, एम्पुला को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पानी पीछे की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही उसे रिलैक्स करेंगे तो पानी आगे की तरफ आ जाएगा। और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ट्यूब फीड का जब होगा तो स्टारफिश लोकोमोटरी मूवमेंट शो करेगी, ठीक है ना। और यूजुअली लोकोमोशन जो होगा वो ट्यूब फीड्स जो दो आर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है ना, या तो एक या दो आर्म्स, मोस्टली दो आर्म्स के थ्रू ही लोकोमोशन करती हैं किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिशेज, ठीक है। थैंक यू।